माई चैनल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइल विद शालू। तो गाइज आज का जो लुक मैंने क्रिएट किया है ये किया है न्यू ईयर पार्टी के लिए और बहुत ही सिंपल सा सटल सा मेकअप है। बस आई मेकअप जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया बट कोई बात नहीं, पार्टी है तो पार्टी में सब कुछ चलता है। इसीलिए तो ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, बहुत ही प्यारा लुक आया आप देख सकते हो। ऑलरेडी पूरा मेकअप जो है वो न्यूड है, देन जो आईज है वो थोड़ी सी ग्लिटर दी मैंने, तो इसीलिए लुक बहुत ही अच्छा आया है। पार्टी वेयर है, बहुत ही सुंदर लुक है। तो ये लुक मैंने कैसे किया है तो हम आगे वीडियो में देखेंगे, पर वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी मेकअप करते हो उससे पहले आपको टोनर या फिर कोई रोज वाटर यूज करना चाहिए। देन उसके बाद आपको थोड़ी देर का गैप देने के बाद ही कोई भी प्राइमर या कोई भी ऑयल या फिर क्रीम यूज करनी चाहिए। देन नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर जो कि मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर हो गया इस टाइम। तो गाइस सर्दियों में जिनकी भी ड्राई स्किन है अगर वो मेकअप करते हैं तो उन्हें अच्छे से अपने फेस पे ऑयल या फिर कोई मॉइस्चराइजर यूज करना जरूरी है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये वैसो केयर की जो लिप बाम आती है वैसलीन, तो वो यूज कर रही हूँ। और हम कभी भी मेकअप करते हैं तो गैप के बाद ही नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाना चाहिए। जैसे तो आप समझ आए कि थोड़ा थोड़ा गैप पे ही सब प्रोडक्ट लगाने होते हैं। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर जो कि 2-in-1 है, बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। और ये है स्विस ब्यूटी का रियल बेस मेकअप जिसका शेड है शेड नंबर 3। तो आज मैं इसको लगाऊंगी ब्रश की हेल्प से। तो फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये फैशन कलर का फाउंडेशन जिसे मैं एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी। आपको कभी भी फाउंडेशन की फुल कवरेज चाहिए तो आप इस टेक्निक का यूज करें। आप देख सकते हो डाइविंग मोशन में पहले आपको ब्रश से अप्लाई करना है क्योंकि ये जो फाउंडेशन है उसकी कवरेज थोड़ी सी कम है, तो इसीलिए मैं इस फाउंडेशन को इस टेक्निक से लगाती हूँ। अगर कोई भी फाउंडेशन की कवरेज कम है तो आप इस टेक्निक से लगाएंगे तो ज्यादा कवरेज उसकी आएगी। पूरे फेस पे मैंने लगा लिया है, देन इसे मैं अब ब्लेंड करूंगी और ब्लेंडिंग आपको ऐसे ही करनी है जैसे कि हमेशा से करते हैं, डाइविंग मोशन में ही आपको यू नहीं करना है। आपको हल्का सा सिर्फ उसी जगह पर ब्यूटी ब्लेंडर चलाना है जिस जगह पर फाउंडेशन है। फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जितना भी एक्सेस होता है वो सारा ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाता है, देन आपका मेकअप बेस जो है वो अच्छे से रेडी हो जाता है, केक ही नहीं लगता। क्योंकि अगर हम परत पे परत चढ़ाए जाएंगे और मोटी मोटी लाएंगे तो वो क्रैक होने के चांस ज्यादा रहते हैं, बट ऐसे अगर आप यूज करेंगे तो जितना भी फाउंडेशन स्किन को चाहिए होगा उतना ही फाउंडेशन उसे मिल जाएगा। यूज कर लूंगी कंसीलर, देन हम पहले क्रीम प्रोडक्ट यूज करेंगे। देन उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ ये मैंने खुद से ही बनाया है ब्लश, आप देख सकते हो ये लिक्विड ब्लश है और एक नेल पेंट की टोपी खाली हो गई थी तो मैंने उसी में बना लिया और बहुत ही अच्छा वाला बना है ये। अब हम करेंगे कॉन्टोर और ये मेरा बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया है, बट ऐसा नहीं होता कि हम पुरानी चीज को फेंक दें। तो जब तक इसकी डेट वगैरह एक्सपायर नहीं होती है मैं रखती हूँ और उसे यूज करती हूँ, आप देख सकते हो। ले रही हूँ लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर इन सबको सेट करने के लिए।
आईब्रो फिल करने के लिए मैं ले रही हूँ ये हिलारी रोडा का ब्राउ पेंसिल। तो आज मैं करूंगी पर्पल आई मेकअप, और पर्पल आई मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ ये पर्पल लिपस्टिक, जिसका बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड बेस आ सके, इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके आपको बहुत ही जल्दी मेकअप करना है आई मेकअप, और आपके कलर जो है वो ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आप आई शेडो यूज करते हो, अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा भी फॉल आउट हो रहा है, तो आप नीचे थोड़ा सा पाउडर दे दीजिए और फिर आप अपना आई मेकअप स्टार्ट कीजिए। वैसे दिखाऊं तो ब्लेंड करने के बाद मैं ले रही हूँ फ्रोजी सा शेड, तो ये मैं यूज करूंगी। बहुत ही ज्यादा बड़ा पैलेट है, तो इसे यूज करने में बहुत ही प्यारा शेड है। देन अगेन मैं वही पर्पल वाला शेड ले रही हूँ और इसके जितने भी एजेस हैं मैं ब्लेंड करूंगी अच्छे से। तो लाइनर के लिए मैंने दी हूँ ये AYA का लाइनर। तो ब्लश के लिए यूज कर रही हूं मैं आज ये मार्स का ब्लश। हाइलाइटर के लिए ले रही हूं ये मैट लुक का हाइलाइटर। लिपस्टिक के लिए मैं यूज करी हूँ ये NYB की लिपस्टिक।